इंडिया के ऐसे राइडर हैं जिन्होंने 7 अलग अलग वे से लद्दाख का ट्रिप किया। Welcome to your gaming family, this is your gaming Mayank, so I hope you are all doing well. So guys, आज हम लोग मनाली में हैं। कल हमने यहाँ के स्टे लिया था मनाली में। कल हमने सर्किट पूरा कर दिया स्पीति का एंड मैं बहुत खुश हूँ। यानी सर्किट फर्स्ट स्पीति राइड में फर्स्ट टाइम में ही मैंने अपना सर्किट कंप्लीट कर दिया। नाउ लेट मी शो यू द सम व्यूज़ फ्रॉम द मनाली एंड फिर हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। आज रिटर्न है हमारा दिल्ली, सो बाकी उसके बाद मिलते हैं बाइक्स पे। आओ पहले व्यू दिखाता हूँ आपको। व्यू अच्छा लगा होगा एंड बाकी अब चलते हैं यार। टाइम हो रहा है 8 बजे, सुबह के 8 बज रहे हैं मनाली में। तो अब चलते हैं यार दिल्ली की तरफ। और आज भी कम अराउंड 500 से अबव ही हमें चलानी है बाइक्स हमारी। तो अभी भी टाइम लगना तो बहुत है, बट चलो कोई नहीं, चलाएंगे। जब हमने सर्किट पूरा कर दिया तो यार दिल्ली तो वहाँ से दूर नहीं है। चलो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो ये है कुछ व्यू जहाँ हम रुके थे रात होटल में, और ये पुल क्रॉस करके आए थे हम रात में। और नीचे से बहुत ही प्यारी रिवर जा रही है, हमारे होटल के आगे से जा रही थी। और मतलब बैक साइड में था वो, और इसकी साउंड इतनी प्यारी आ रही थी ना रात में भी कि मज़ा आ रहा था। बट रात में थके हुए इतने ज़्यादा थे कि होटल आए, खाना वाना खाया और सब सो गए एकदम से। और गर्मी इस टाइम पे बहुत बढ़िया वाली हो रखी है। मनाली की गर्मी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पहुँच चुके हैं हम, जबकि अभी दिल्ली पहुँचे नहीं है। और दिल्ली पहुँचने से पहले ही लग रहा है कि हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना यहाँ पे। और अभी टाइम भी ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, अप्रोक्स 8, 8:30 हो रहे हैं। टाइम भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है और गर्मी इतनी ज़्यादा। अभी से मैं बता रहा हूँ ना कि अभी से लग रहा है कि दिल्ली पहुँच चुके हैं। और आज एनर्जी थोड़ी सी लो है, क्योंकि कल हमने वो जो कुंजुम पास वाला अपने वीडियो देखी होगी इससे पहले, कल वो पूरा कंप्लीट किया था। कुंजुम पास से आते आते इतना ज़्यादा थक चुके थे, मनाली पहुँचते पहुँचते हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा मेरे व्लॉग में भी आज एनर्जी नहीं थी। एनर्जी गायब है भाई, बिल्कुल ही। और मुझे पता है एनर्जी क्यों गायब है। एनर्जी इसलिए भी गायब है कि आज हुआ क्या था, सुबह नायर सर ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और उन्होंने उसके बाद बोला कि भाई ये कॉफ़ी पी और इसके रिव्यूज़ थे गंदे वाले। तो उस टाइम पे हुआ क्या, मैंने वो कॉफ़ी देखी, मैंने कहा जब रिव्यूज़ देने ही है गंदे वाले तो इससे बेटर सो जाते हैं थोड़ी देर। मैंने रजाई ओढ़ी और मैं 1 घंटा और सो गया। अब उसके बाद नायर सर फिर आया 1 घंटे बाद, उन्होंने देखा भाई कॉफ़ी भी ऐसी कैसी पड़ी है, महंग भी सो रखा है, उठा नहीं है अभी तक। तो उन्होंने दोबारा उठाया, फटाफट में उठा, नहाया धोया। गर्मी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बोलने का मन नहीं करता इस टाइम पर। बस ऐसा एनर्जी बिल्कुल इतनी ज़्यादा डाउन है ना कि मन कर रहा है बस फटाफट से घर पहुँचे, आराम से सोए। 3-4 दिन तो आराम से सोने वालों में पहुंच के पूरी थकान उतारूंगा इस ट्रिप की। और ये क्या देख रहे हैं मनाली के अंदर, हॉट एयर बैलून, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में, पता होता पहले तो हम थोड़ी देर और रुक के निकलते, हॉट एयर बैलून के मज़े लेते। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। अभी तो ले भी बचा है हमारा, ले भी करना है इसके बाद। तो जिस तब ले लद्दाख करेंगे तो मनाली का हॉट एयर बैलून के मज़े लेंगे। और यहाँ मिल गई अपने को एक और टनल, और पूरी टनल में चीकड़ ही चीकड़ हो रखी है। मुझे इस टनल का नाम नहीं पता, बट मज़े लेंगे। अटल टनल में भी कल जब बाइक चलाई थी मैंने, तो मैंने कैमरा में चेक किया कि वो एग्जॉस्ट की साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और इस टनल के अंदर भी पता नहीं, आई होप अच्छी रिकॉर्ड हो जाए तो आपको भी टनल की आवाज़ सुना पाऊँगा कि टनल में मेरी बाइक की आवाज़ कैसी आ रही है। मेरे को तो सुनने में बहुत ही मज़ा आया था। अटल टनल में भी जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कल, बहुत ही मज़ा आया। और इस टनल में भी काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है, बाकी देखते हैं कैसी आवाज़ आती है, आई होप अच्छी आए। भाई सब क्या ही टनल थी, क्या ही टनल थी, मज़ा आ गया। चीकड़ ज़्यादा थी टनल में, बट कोई नहीं, टनल बहुत ही बड़ी थी और मज़ा आ गया टनल में बाइक चला के। एंड यार यहाँ पे भी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आई होप कि ये ऐसी टनल्स और भी मिल जाए आगे, मज़ा आ जाएगा। दिल्ली तक ऐसी टनल मिल जाए, दिल्ली हाईवे जैसी बॉर्डर क्रॉस करें, उसके बाद अपने एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और सीधा घर, बढ़िया रहेगा। यार इस टाइम तो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है कि धूप देख रहा हो पूरे भीग चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का चल रहा है यहाँ पे, जैसे अभी टनल आपने देखी ऐसी ही टनल्स बन रही हैं सारी यहाँ पे, इसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इतनी ऊपर से गर्मी, ऊपर से धूल मिट्टी, भाई मेरे से अभी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। ऑलरेडी इतनी समस्या चल रही है ना आज के दिन में, और एक समस्या और खड़ी हो गई थी पीछे सुल्तान भैया की बाइक का टायर पंचर हो गया। कोई भी आसपास पंचर वाला नहीं था, मैं आगे गया देखा एक पंचर वाला है, बट वो गाड़ी का पंचर लगाता था सिर्फ। जहाँ पंचर हुई बाइक वहाँ से 200-300 मीटर तक, बट मान लेना आपको पता है इसके टायर ट्यूबलेस नहीं होते, तो वहाँ से लाना भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, तो इसलिए हमने वो टायर जो पंचर लगाते थे हमने उसको रिक्वेस्ट करी थोड़ी बहुत कि भैया प्लीज़ लगा दो, क्योंकि दूसरा जो पंचर वाला था वो अप्रोक्स 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाके था, तो वहीं पे पंचर लगवाया, थोड़ा बहुत कुछ खाया, चाय माय पी और सीधा चल रहे हैं दिल्ली के लिए। क्योंकि इधर जो हालत इस टाइम ख़राब हो रखी है और एनर्जी इतनी लो है ना आज, और मुझे नहीं पता था इतना गंदा जाम मिलेगा यहाँ पे। जाम, कंस्ट्रक्शन, धूप, हालत ख़राब हो रखी है। मतलब दिल्ली पहुँचना आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही तूफान उठा लेने वाले। मतलब इतनी डिफ़िकल्टीज हमने स्पीति पूरी राइड पे नहीं करी जितनी आज मनाली से दिल्ली पहुँचने में कर रहे हैं। बाकी अभी मेरा व्लॉग करने बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, रास्ते में कुछ दिखा अच्छा सा व्यू तो पक्का दिखाऊंगा, बाकी अभी तो सीधा घर निकलते हैं, जितनी जल्दी घर पहुंचेंगे इस जाम से और इन मिट्टी से निकलते हैं। पहले तो नींबू तेज कर देना, मीठा कम डालना। क्या बात है भाई, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये नींबू तेज होना चाहिए और मीठा कम होना चाहिए। ये किसका कंटेंट है पता है, ये कंटेंट भाई साहब किसका, नींबू पानी कंटेंट है। तो भी पीछे 5-7 गिलास गन्ने का जूस पिया तब जाके थोड़ी सी राहत मिली है। इस टाइम भी शाम के 4-4:30 बज रहे हैं और धूप इस टाइम पे इतनी पड़ रही है ना कि शरीर का अंग अंग भी बोल रहा है भाई बस कर, कितना निलाएगा पसीनों से। बाकी अभी हम चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं और मेरे को यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ऑफिस का छोटा सा काम है उससे निपटाता हूँ पहले, बाकी भाइयों को बोलता हूँ ये लोग धीरे धीरे आगे चलें, बाकी फिर मैं इन्हें कैच करता हूँ। ऑफिस का काम निपट गया बहुत बढ़िया से, और सुल्तान भी कनेक्टेड है मेरे साथ इंटरकॉम पे, तो उन्होंने बताया यहाँ स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, तो अपनी बाइक की स्पीड लिमिटेड रखियो, ओवर स्पीड मत करियो हमें पकड़ने के चक्कर में। और वो लोग काफ़ी आ गए वैसे इस टाइम पे, बट सुल्तान भी ने बोला कि वो करनाल पहुँच के वेट करेंगे मेरा, और करनाल में आज पाली भैया मिलने वाले हैं, उनकी बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी भी बताऊँगा उनकी और उनसे मिलवाता हूँ आपको, और स्टोरी कैसी लगी आपको उनकी कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, मीट पाली सर, ये इंडिया के ऐसे राइडर हैं जिन्होंने 7 अलग अलग वे से लद्दाख का ट्रिप किया है। सर प्लीज़ कुछ बताएं। देखो, मैं शुरू से बचपन से पैशनेट था, राइड करूँगा, बाइक का कार का बड़ा शौक था मुझे, तो मैंने फर्स्ट जो राइड की थी मेरी 92 में था लद्दाख मेरा विद RX बाइक, और वो 28 डेज़ की राइड थी, मेरे को आज भी याद है। उसके बाद फिर जैसे जैसे उम्र धीरे धीरे बढ़ती रही, थोड़ा थोड़ा शौक आगे बढ़ते रहे, जॉब मिल गई, जॉब के बाद थोड़े शौक अपने पूरे होने लगे, फिर किया लद्दाख काफ़ी टाइम किया, उसके बाद नेपाल, भूटान वगैरह सब किया। और अभी मेरे नाम से एक छोटा सा टोल बना हुआ है करनाल में, मेरे क्लब है लोकल राइडर, उसका रीज़न यही है कि हम लोग ब्रदर रोड पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, रस्ते में कभी भी कोई भी किसी भी बाइक पे या किसी भी गाड़ी पे कोई राइडर है या उसकी फैमिली जा रही है तो उसको कहीं भी कोई हेल्प चाहिए होती है। हमारा जो ब्रदरहुड है आज की डेट में, टचवुड मैं कहूँगा कि बाइकिंग ब्रदरहुड नंबर 1 है, इसमें हमारा ऑल इंडिया ग्रुप है, हमारे मार्शल ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे राइडर ग्रुप है हमारे जो हमेशा एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं तो आप लोग को भी कहूँगा कि आप लोग भी ज्वाइन करो, अच्छा लगेगा, ब्रदरहुड से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती है। सर कुछ राइडर सब भी ऐसा बिगनर है तो उनको क्या गाइड करेंगे आप? मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेफ चलें, फुल गियर्स में चलें, हेलमेट जरूर पहने, अच्छा पहने। जब आप 1-1.5 लाख रुपए की 1.5-2 लाख की बाइक ले सकते हो तो आप 4-5 हज़ार रुपये का हेलमेट भी ले सकते हो, श्योर, क्योंकि लाइफ तो अपनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ्रेशर जो बिगनर है उनको ये है कि दूसरों को देख के सीखें, थोड़ा सा राइड करें। राइड एक पैशनेट चीज़ है और मैं तो कहता हूँ राइड करने वाले का क्या है दिमाग, जैसे स्पोर्ट्समैन की तरह होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, वो लोगों की हेल्प में रहता है हमेशा। आप कभी भी हाईवे देखिए, किसी भी कोई राइडर रहा रुके उसको जरूर पूछता है, आप नॉर्मल इंसान को भी उसको पूछे ना पूछे लेकिन राइडर जरूर पूछता है। मैं तो कहूँगा आप भी ऐसे ही बनिए। आगे मिलते हैं बाकी अभी जो ठीक है बाय सुल्तान सर। नेक्स्ट राइड जल्दी करेंगे। यहाँ पे सबको कर दिया टाटा बाय बाय और हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ। आई होप आपको ये वाली वीडियो और पूरी स्पीति राइड की सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अभी थोड़ा सा बिगनिंग है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी आपको इससे भी अच्छी वीडियोस को दिखाऊंगा मैं आगे आने वाले टाइम पे। सो कमेंट करके बताना वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरे चैनल पर नए हो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। बाकी आगे और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, ऐसे अच्छे व्यूज़ लेके आऊँगा जहाँ हम घूम रहे हैं, अच्छी जगहों के नज़ारे ले रहे हैं, आपको भी दिखाऊँगा। बाय बाय आशीष भैया को, तो आशीष भैया को भी बाय बाय कर दिया, बहुत सारा प्यार भाई को भी, और चलते हैं आप अपने घर की तरफ। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।